हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज मी रश्मि. तो आज हम लोग माय स्कूल डेज इस चैप्टर के पार्ट टू को पढ़ेंगे, ठीक है. और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी एक्टिविटीज है, उसे देखेंगे, ठीक है. तो अगर आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है. आइए हम इसके पार्ट टू को शुरू करते हैं. तो लेट्स कंटिन्यू. There were quite a number of good teachers in our school. Yeah? देखिए क्या बता रहा है कि वहां पर, ठीक है, our school यानी हमारे विद्यालय में, ठीक है, हमारे विद्यालय में quite number मतलब उचित संख्या, number यानी संख्या, ठीक है, यानी कि हमारे विद्यालय में एक अच्छे खासे संख्या में teachers हैं, ठीक है. बी डी रॉय टॉट अस इंग्लिश. जो बी डी रॉय थे वो क्या पढ़ाते थे? टॉट यानी पढ़ाना, ठीक है. क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे. टीचर का नाम है बी डी रॉय. वो क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते थे. ही वॉज ए स्मॉल मैन हु टुक ग्रेट केयर टू एंश्योर दैट वी प्रोनाउंस्ड इंग्लिश करेक्टली. वॉज ए स्मॉल मैन. स्मॉल मैन का यहाँ पे क्या अर्थ है? छोटे कद, ठीक है. वे एक छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन हु टुक ग्रेट केयर, केयर यानी यहाँ पर देखभाल, एक भार. एक मिनट यहां लिख देती हूँ. केयर यानी देखभाल. तो कि और एंश्योर करते थे. एंश्योर करने का मतलब होता है सुनिश्चित करना. वो निश्चित करना. क्या सुनिश्चित करते थे? दैट वी प्रोनाउंस्ड. प्रोनाउंस्ड यानी उच्चारण, ठीक है. पी आर ओ एन ओ यू एन सी डी प्रोनाउंस्ड. प्रोनाउंस्ड यानी उच्चारण करना. क्या चीज उच्चारण करना? इंग्लिश करेक्टली. तो क्या बताया गया है बी डी रॉय के बारे में कि बी डी रॉय जो थे वो इंग्लिश के टीचर थे और वे इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश का उच्चारण जो है, जो इंग्लिश के शब्द हैं उनका उच्चारण जो है वो सही तरीके से करें, यानी कि इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से बोले, ठीक है. वन डे ही टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ द ऑक्स एंड द फ्रॉग फ्रॉम एसोप फेबल्स. एक दिन क्या हुआ? एक दिन उन्होंने कहानी सुनाया. कहानी का नाम था द ऑक्स एंड द फ्रॉग, ठीक है. और वो कहानी कहाँ से ली गई थी? एसोप फेबल्स से. फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं, जो प्राचीन कथाएं होती है ना, जैसे बैताल पच्चीसी वगैरह, तो उसी तरह की कहानी है एसोप फेबल. और वहां से एक कहानी निकाली गई थी द ऑक्स एंड द फ्रॉग, वही सुनाया गया था, ठीक है. किसने सुनाया था? टीचर ने, बी डी रॉय, जो इंग्लिश पढ़ाते थे उन्होंने. बिफोर टेलिंग अस द स्टोरी, हमें कहानी बताने के पहले, ही taught us, उन्होंने हमें सिखाया पढ़ाया, that taught us how the pronunciation of the depends on the whether the following word begins with a vowel or a consonant. उन्होंने ये बताया, ये सिखाया कि जो द का प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड करना यानी निर्भर करना, ठीक है. डिपेंड्स यानी निर्भर, ठीक है. निर्भर करता है कि जो वर्ड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जो वर्ड शुरू होने वाला है वो एक्चुअली में वोवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ठीक है. आई फॉन्डली, फॉन्डली यानी शौक से, एफ ओ एन ई एल वाई, फॉन्डली यानी शौक से. आई फॉन्डली रिमेम्बर आवर हेड पंडित. मुझे अपने, हमारे स्कूल के जो हेड पंडित थे वो काफी याद हैं. रिमेम्बर मैंने याद होना, ठीक है.
उनका नाम क्या था? भट्टाचार्य सर, जो हेड पंडित थे उनका नाम था भट्टाचार्य सर, फॉर हिज एक्सलेंट हैंड राइटिंग. एक्सलेंट यानी अति सुंदर. ये तो क्या बताया गया? बताया गया है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है अपने हम लोग के जो हेड पंडित थे भट्टाचार्य सर. क्यों याद थे? क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग जो थी वो बहुत ही सुंदर थी. आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता, एनीबॉडी एल्स कुड राइट बंगाली मोर ब्यूटीफुली ऑन द ब्लैक बोर्ड. मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके अलावा कोई भी जो है ब्लैक बोर्ड पर उनसे ज्यादा सुंदर बंगला लिखता होगा. यानी कि भट्टाचार्य सर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी और वो बहुत ही सुंदर बंगला लिखते थे. आई वॉज नॉट वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स यानी खेल. मैं खेल में बहुत ही अच्छा नहीं था. बट आई कुड ड्रॉ वेरी वेल. लेकिन मैं जो है वो अच्छा चित्र बना सकता था. एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या हुआ? आई बिकेम द फेवरेट ऑफ आवर ड्रॉइंग टीचर आशु बाबू. ठीक है, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं मेरे जो ड्रॉइंग टीचर थे उनका सबसे फेवरेट बन गया. ही वॉज गिवेन द चार्ज ऑफ डेकोरेटिंग द हॉल ऑफ द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी. तो क्या बताया गया है कि मैं जो है अपने ड्राइंग टीचर का सबसे फेवरेट बन गया, तो उन्होंने जो है मुझे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए हॉल को सजाने का काम दे दिया. ठीक है, चार्ज का मतलब होता है भार. यहाँ पे चार्ज का मतलब है भार. डेकोरेटिंग का मतलब होता है सजाना. डेकोरेटिंग यानी सजावट या सजाना. ठीक है, फॉर द एनुअल. एनुअल का मतलब मैंने आप लोगों को बताया ही था. एनुअल यानी वार्षिक, प्राइज यानी पुरस्कार, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, सेरेमनी माने समारोह. ठीक है, ये आपको पहले वीडियो में मैंने बताया ही था, फिर से बता देती हूँ. एनुअल यानी वार्षिक, वार्षिक के बाद प्राइज, प्राइज यानी पुरस्कार, डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों को इजीली हो जाएगा. वितरण और सेरेमनी माने समारोह. क्या काम दिया गया था? वार्षिक जो पुरस्कार वितरण समारोह था उसमें हॉल को सजाने का काम दे दिया गया था लेखक को. He also conducted an event called music drawing. उन्होंने एक और इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था, एक और इवेंट को जो है वो काम दिया गया था, आयोजित किया था, जिसका नाम क्या था? म्यूजिक ड्राइंग. अच्छा, तो म्यूजिक ड्राइंग में करना क्या है? फॉर दिस इवेंट, इस इवेंट के लिए यानी म्यूजिक ड्राइंग इवेंट के लिए क्या करना है? देयर वुड बी ब्लैक बोर्ड एंड ए कलर चॉक ऑन द ऑन ए टेबल. तो उस इवेंट में क्या करना था, यानी म्यूजिक ड्राइंग में क्या करना था? वहां पे एक ब्लैक बोर्ड था और जो था कलरफुल चॉक्स थे. ठीक है, टेबल पे रखे हुए थे. स्टूडेंट वुड सिंग, एक विद्यार्थी जो है गाना गाएगा, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाएगा. एंड अनदर वुड ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, ट्राइंग टू द कैप्चर इन द लाइन्स एंड कलर्स ऑफ द एसेंस ऑफ द सॉन्ग. तो क्या होगा, उसमें एक बच्चा जो है गाना गाएगा, एक विद्यार्थी जो है वो गाना गाएगा, और अनदर, अनदर यानी दूसरा, और जो दूसरा विद्यार्थी रहेगा वो उसके आधार पर जो है ब्लैक बोर्ड पर पिक्चर बनाने की कोशिश करेगा. वो कोशिश करेगा कि जो जो गाने में जो जो शब्द बोला गया है उसके आधार पर जो है वो चित्र बनाए. और एसेंस, एसेंस का मतलब होता है सार, गाने का जो सार है, मूल भाव जो है वो उस चित्र में दिखाई दे. इन दिस वे, इस तरीके से, दो मैनी थ्रू मैनी सच हैप्पी एंड मेमोरेबल. मेमोरेबल माने यादगार एपिसोड्स. आई स्पेंड 6 years ऑफ माई स्कूल. तो इस तरीके के, इस तरह के बहुत छोटे छोटे सुंदर सुंदर यादें हैं. ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि आई स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है बिताया.
आई स्पेंट यानी बिताया कितने साल, 6 years ऑफ माई स्कूल लाइफ, अपने स्कूल में, ठीक है। इसके बाद देखो 10 years आफ्टर लीविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के 10 साल बाद, आई वेंट बैक देयर जस्ट वंस, मैं स्कूल में एक बार गया, प्रोबेबली टू अटेंड रीयूनियन ऑफ एक्स स्टूडेंट, जो विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस से बुलाया गया था मिलने के लिए, तो उसी को अटेंड करने लेखक जो हैं वो एक बार स्कूल गए थे। एज आई एंटर्ड द हॉल, एंटर्ड का मतलब घुसा, जैसे ही मैं हॉल में घुसा, आई नोटेड विथ सरप्राइज, मैं बड़े आश्चर्य से देखा कि दैट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, मैं उस हॉल को नहीं पहचान पाया, रिकॉग्नाइज इट मतलब पहचान पाया, द हॉल विच हैड सीम्ड एनॉर्मस अर्लियर, पहले जो था वो हॉल कैसा दिखाई था, एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, क्या बहुत बड़ा, पहले जो हॉल था वो बहुत बड़ा दिखाई देता था, लेकिन अब क्या है, डिड नॉट सीम टू बी क्वाइट दैट बिग देन, लेकिन अब जो है वो उतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। नॉट ओनली द हॉल, केवल हॉल नहीं, बट इवन द डोर्स, यहाँ तक कि दरवाजे, क्लासरूम्स, बेंचेस, कॉरिडोर्स तक भी जो है वो छोटे लग रहे हैं। दिस फीलिंग वॉज नेचुरल, यह जो एहसास था वो बिल्कुल ही स्वाभाविक था। दो, हालांकि आई वॉज 5 feet 3 inches टॉल, टॉल यानी लंबा, वेन आई लेफ्ट स्कूल, हालांकि जब मैं स्कूल छोड़ा था तब मेरी जो लंबाई थी वो 5 feet 3 inches की थी, ठीक है, एंड नाउ आई हैव ग्रोन टू अबाउट 6.5 feet, और लेकिन अब मैं जो है वो 6.5 feet का हो गया हूँ, 6.5 feet का हो गया हूँ। आई हैव ग्रोन अ लॉट इन ऑल दीज ईयर्स, इन सालों में मैं बहुत जो है वो लंबा हो गया, बट स्कूल हैज नॉट, लेकिन स्कूल तो जैसे का तैसा ही है। I have never gone back to my school since then. उसके बाद से वो स्कूल कभी नहीं गए। It is indeed a pleasure to look back and relive the past moment of joy. ठीक है, indeed मैंने वास्तव में, सच में ये बहुत खुशी का, pleasure यानी खुशी, ठीक है, खुशी का क्षण है कि फिर से जीना, relive यानी फिर से जीना, उस क्षणों को, ये एक खुशी का बात है, जो वो विद्यालय जीवन में जीते थे उसको फिर से एक बार जीना जो है वो खुशी का क्षण है। ये जो कहानी है, ठीक है, माय स्कूल डेज, ये कहाँ से अडेप्टेड है, कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम सत्यजीत रॉय जोखोन छोटो छिलाम, ठीक है, ये इनकी किताब का नहीं, रचना का नाम है जोखोन छोटो छिलाम, वहां से ये कहानी माई स्कूल डेज ली गई है, ठीक है। आइए अब हम इसके एक्टिविटीज को देखते हैं। तो हम इसमें एक्चुअली में इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या जाना कि सत्यजीत रे, ठीक है, जो इसके राइटर हैं सत्यजीत रे, उनके बचपन की ये कहानी है कि जो वो स्कूल जाते थे तो उन्हें कैसा महसूस होता था, कैसे उनके टीचर्स थे, किस तरह पढ़ाते थे, कैसा स्कूल था, उनके स्कूल का क्या नाम था। तो सत्यजीत रे जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके बचपन की ये कहानी है, ठीक। आइए अब हम एक्टिविटीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 6 को देखेंगे, क्या तो क्या कह रहा है, लेट्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, आपने जो पार्ट पढ़ा उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उसके आधार पर जो है ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं, ए नंबर, द सब्जेक्ट दैट बी डी रॉय टॉट, बी डी रॉय के सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, बी डी रॉय क्या पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, ई एन जी एल आई एस एच, ठीक है। बी नंबर देखिए, द ऑथर रिमेंबर द हेड पंडित भट्टाचार्य सर फॉर हिज, लेखक को जो है उनके हेड पंडित भट्टाचार्य किस लिए याद है, फॉर हिज गुड एक्सलेंट हैंड राइटिंग के लिए ना, बहुत अच्छा लिखते थे ब्लैक बोर्ड पर, फॉर हिज एक्सेलेंट एंड
राइटिंग ये जी है। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, आशु बाबू कंडक्टेड एन इवेंट कॉल्ड, आशु बाबू ने जो एक वो तो म्यूजिक टीचर थे ना, तो जो एक उन्होंने इवेंट कॉल इवेंट बुलाया था वो कौन सा इवेंट था, उस इवेंट का नाम क्या था, म्यूजिक ड्राइंग, म्यूजिक ड्राइंग। तीन नंबर देखिए, द टाइम स्पेन ऑफ द ऑथर स्कूल लाइफ वाज, स्कूल में उन्होंने कितने साल तक रहे, 6 years तक, years। ई नंबर देखो, द ऑथर वेंट बैक टू हिज स्कूल वन मोर टाइम टू अटेंड, जो ऑथर हैं लेखक हैं, ठीक है, ऑथर यानी लेखक, AUTHOR, ऑथर यानी लेखक, लेखक जो है वो स्कूल एक बार दोबारा क्यों गए थे, क्या अटेंड करने गए थे, रीयूनियन ऑफ एक्स स्टूडेंट, रीयूनियन, REUNION, रीयूनियन ऑफ एक्स एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आंसर्स है, एक्टिविटी 7 देखते हैं हम लोग। ओके, एक्टिविटी 7 में कह रहा है कि लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो ए नंबर देखते हैं सबसे पहले, ए नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड बी डी रॉय टीच द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, जो द का प्रोनाउंसिएशन है वो बी डी रॉय किस प्रकार सिखाते थे बच्चों को, आंसर लिखेंगे देखिए, बी डी रॉय टॉट द प्रोनाउंसिएशन, PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण करना, ऑफ द डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन वेदर HER, whether the following word begins with vowel और ए कॉन्सोनेंट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर कि हाउ डिड द ऑथर गेट टू बी आशु बाबूज फेवरेट, तो आशु बाबू शिक्षक थे, उसका जो लेखक है उनका फेवरेट कैसे बन गया, ठीक है, तो देखो, द ऑथर गॉट टू बी आशु बाबू फेवरेट
favorite as he could draw as he could draw draw very well. बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते थे. ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज म्यूजिक ड्राइंग, म्यूजिक ड्राइंग क्या था. ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन. ठीक है, आंसर लिखेंगे अब हम लोग. ठीक है, ठीक है, आंसर म्यूजिक ड्राइंग, म्यूजिक ड्राइंग इज द इवेंट is the event where a student would sing a song and another would draw a picture on the blackboard, on the blackboard. ठीक है, इसके बाद डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप. व्हाई डिड एवरीथिंग सीम मच स्मॉलर टू द ऑथर व्हेन ही वेंट बैक टू स्कूल आफ्टर 10 इयर्स. तो जो है 10 साल के बाद जब वो वापस लौट कर गया तो ऑथर को जो है वो सब कुछ अलग अलग लगता है. ठीक है, डी नंबर का आंसर देखते हैं. आंसर लिखेंगे, बिकॉज बिफोर टेन इयर्स ही वॉज 5 feet 3 inches tall, but now about 6 and a half feet. यहाँ पे बताया गया है कि जब वो स्कूल छोड़े थे तो बहुत ही छोटे थे, 5 feet 3 inches के थे लंबाई में, लेकिन अब जो है वो काफी लंबे हो गए हैं, इसलिए जो स्कूल है उनको छोटा छोटा लगता है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ई नंबर, व्हाट इज ए प्लेजर अकॉर्डिंग टू द ऑथर. ठीक है, ए प्लेजर का मतलब क्या है यहाँ पर. ठीक है, ABCD, उसके बाद ई नंबर यहाँ लिख लेते हैं. According to the author, it is pleasure, PLEASURE, pleasure to take a trip down trip down
memory lane and relive the past moment of joy. तो वापस से उसी जिंदगी को जो मैंने खुशी के साथ जीने के कारण जो है वो इसको प्लेजर बताया गया, खुशी बताया गया है. आइए एक्टिविटी 8 देखते हैं. हियर इज एक्टिविटी 8. कह रहा है कि लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. ये जो वर्ड्स दिया गया है इसमें से चुन चुन के भरना है. ठीक है, देखो सचिन तेंदुलकर इज माई क्या होगा, फेवरेट होगा ना, FAVOURITE, फेवरेट क्रिकेटर. वैन रिप वैन विंकल कम बैक टू द विलेज द नेक्स्ट मॉर्निंग ही कुड नॉट. जब रिप वैन विंकल वापस अपने घर लौट कर आया अगली सुबह तो वो क्या हो गया, वो किसी भी चीज को पहचान ही नहीं पा रहा है. तो यहाँ पर सेकंड वाला क्या होगा, रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, ये वाला, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर. ठीक है, फिर देखिए मोस्ट पीपल हैव स्वीट, सभी लोगों के पास क्या होता है, कुछ मीठी यादें होती है, मेमोरीज, MEMORIES, मेमोरीज होती है. ठीक है, 4 नंबर, द स्टूडेंट कुड नॉट क्या होगा, नॉट प्रोनाउंस, PRONOUNCE प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, अच्छी तरीके से वर्ड का उच्चारण नहीं कर पा रहे थे. और एट द लास्ट ये वाला 5 नंबर, EXCELLENT, एक्सेलेंट टीचर थे मिस्टर दास, इज एन एक्सेलेंट टीचर, मिस्टर दास एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे. एक्टिविटी 9 देखते हैं. 9A में क्या कह रहा है, 9A में कह रहा है लेट्स आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. तो ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेंटेंसेस है, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, आइडेंटिफाई आपने कर लिया, उसके बाद ये जो 9B का है, ठीक है, इसमें आपको ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो इधर सब्जेक्ट में भरना है और जो प्रेडिकेट है वो इधर प्रेडिकेट में भरना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले सेंटेंस है, वन डे ही टोल्ड अस द स्टोरी द ऑक्स एंड द फ्रॉग फ्रॉम एसोप फेबल्स. तो इसमें से जो सब्जेक्ट है वो कौन है, सब्जेक्ट है ही. ठीक है, तो एक्चुअली में काम करता है जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है ही, और बाद बाकी जितने भी होते हैं सब प्रेडिकेट हो जाते हैं. तो यहाँ पे टोल्ड, ये जो पूरा लाइन है टोल्ड से, ठीक है, टोल्ड अस द स्टोरी ऑफ द ऑक्स एंड द फ्रॉग फ्रॉम द एसोप फेबल, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो है वो प्रेडिकेट है, इसके अंदर आएगा. ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह छोटा है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको बता दे. ठीक है, सेकंड वाला जो है देखिए, BD रॉय टॉट अस इंग्लिश, किसके बारे में बताया जा रहा है, BD रॉय के बारे में. तो BD रॉय क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, BD रॉय सब्जेक्ट है और उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, टॉट अस इंग्लिश, ये वाला प्रेडिकेट है. English, ठीक है. थर्ड वन देखिए, थर्ड क्या कह रहा है कि he was a small man and he took a great care to ensure that we pronounced English correctly. इसके अंदर किसके बारे में कहा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहला वर्ड है he, यहाँ पे he आ जाएगा, फिर आगे चले फिर इसी में फिर देखिए he आ रहा है, फिर आप he लिख सकते हो, और किसके बारे में बताया गया, we के बारे में, आप वी लिख सकते हो. ये सारे सब्जेक्ट हो, बाद बाकी जो भी है वो सब प्रेडिकेट है. कहाँ से प्रेडिकेट होगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला वॉज ए स्मॉल मैन एंड, इसके बाद फिर जो है
मैन तक लिखने के बाद कॉमा दे दीजिएगा, के बाद टुक केयर टू द एंश्योर दैट प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली, ये सारा जो है वो प्रेडिकेट है, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा, समझ गया ना क्या कर रहा है, ये वाला जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो प्रेडिकेट है, इसमें भरना है, ठीक है। फोर नंबर देखते हैं, बट आई कुड ड्रॉ वेरी वेल, इसके अंदर तो सीधी सी बात है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, कुड ड्रॉ वेरी वेल जो है वो एडिकेट है, कुड ड्रॉ वेरी वेल, ठीक है। अब इसके बाद चौथा नंबर जो है, पांचवा नंबर में आशू बाबू जो है वो, आशू बाबू जो है वो सब्जेक्ट है, बाद बाकी पूरा यहाँ से लेकर, वॉज गिवेन द चार्ज ऑफ डेकोरेटिंग द हॉल ऑफ एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ये पूरा जो है वो प्रेडिकेट है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, जगह छोटा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आप ध्यान रखिएगा। चलो एक्टिविटी टेन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भरना है, यहाँ पे टेंस ऑलरेडी दिया गया है, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, भर प्लस ing, ठीक है। तो और सब्जेक्ट के आधार पर इज आर एम ये सब लगाना है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, जॉन है तो जॉन के साथ इज, रीड है, वर्ब है तो वर्ब के साथ ing, यानी कि क्या हो जाएगा, वर्ब है ये रीड प्लस ing, तो रीडिंग हो गया। इसी तरीके से अली और सुदीप प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या लग जाता है, आर लग जाता है, आर वर्क है तो वर्ब प्लस ing वर्किंग, ठीक। मीता है तो मीता, क्योंकि यहाँ पर लिसन है तो लिसन का क्या हो जाता है, लिसनिंग हो जाता है ना, तो वॉच मैं यहाँ लिख देती हूँ, चाहिए वॉच लिसनिंग, के बाद यहाँ पर हो जाएगा राजू इज सिटिंग साइड डबल टी आई एन जी, ठीक है, सिटिंग साइड डबल टी आई एन जी सिटिंग। इसी तरीके से हाउ मैनी अदर स्टूडेंट्स है ना, तो आर स्टडिंग हो जाएगा, आर एस टी यू डी वाई आई एन जी स्टडिंग, ठीक है। इसी तरीके से द फोन इज रिंगिंग, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। एक्टिविटी 11 कह रहा है कि राइट 5 सेंटेंस टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, अपने बारे में बताने के लिए 5 सेंटेंस लिखो, यहाँ पे आपका हिंट्स दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको खुद ही करना है, इसके अंदर क्या है, अपना नाम बताना है, एज बताना है, कहाँ रहते हैं वो बताना है, तुम्हारे स्कूल का नाम बताना है, तुम्हारा हॉबी क्या है, क्या पसंद करते हो, क्या ना पसंद करते हो वो बताना है, और तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, ये चीजें इसमें बता रही है। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है, इसको करना आपको खुद से ही है। और इसके बाद जो है लेट्स वर्क टुगेदर, क्या कहा गया है कि ड्रॉ अ पिक्चर, एक पिक्चर बनाओ अपने स्कूल का, तो इट टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त को दिखाओ, और टेल देम वाई यू लव योर स्कूल, की और बताओ कि तुम अपने स्कूल को क्यों प्यार करते हो, क्या इसी बात है, इसमें केवल एक चित्र बनाना है, ये आप खुद से एक अच्छा सा चित्र बना लेंगे, ठीक है। इसके साथ माई स्कूल डेज जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है, इसमें 2 वीडियोस है, पहले वीडियो में हम लोगों ने पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर वगैरह सॉल्व किया है, और ये दूसरे पार्ट में लोगों ने इसकी जो एक्टिविटीज है उसको देखा है, ठीक है। तो आशा है आपको यह पार्ट समझ में अवश्य आई होगी, आपके साथ धन्यवाद।